169 बटालियन से फोन आया। सरकार दिले दादा हम तो लेने पर पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए ना, पीछे आ जाइए। अरे भाई इधर कहीं तो होगा तो सर 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 थोड़ा सा प्लीज पीछे हो जाइए। सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए का चेक हम कल दे
भेज देंगे। बाकी उनका क्या क्या हो सकता है, उनके जो रिलेटिव थे इनके साथ मेरे जो सेक्रेटरी ऑफिसर से बातचीत करेंगे। बी एस एफ की तरफ से जो भी सुविधा वगैरह राज्य सरकार के क्या की तरफ से कोई घोषणा है क्या इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हूँ और इतना नौजवान मेरा एक देशभक्त नागरिक चले गए और मैंने उनका जो हिस्ट्री मैंने सुना किस तरीके से बीएसएफ में गए, उनके जो भाई है किसी एक चैनल में इंटरव्यू दे रहा था उसमें कैसे बताया जो बीएसएफ मैंने टीएसएल में चला गया उसके बाद वो अपने आप जाके बीएसएफ में अपना मापजुक दे दिया उसके बाद चले गए, आज देश के लिए शहीद हो गए। मैं उसके आत्मा के प्रति वो कामना करता हूँ, साथ ही साथ परिवार के प्रति संवेदना, विशेष करके इनके पत्नी जो है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इस इनको कैसे जीवन में आगे लाया जा सकता है उस बारे में हम लोग सब मिलकर सोचेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से नहीं, अभी जो सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए का चेक हम कल भेज देंगे। बाकी उनका क्या क्या हो सकता है, उनके जो रिलेटिव से इनके साथ मेरे जो सेक्रेटरियल ऑफिसर से बातचीत करेंगे। बीएसएफ के तरफ से जो भी सुविधा वगैरह जो भी है और राज्य सरकार के क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे।